अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। वो उस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलेबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। वबा की ये झूठी अफवाहें असर कर जाएं। गलत बयानी कर रहे हो तुम अर्तुरुल। तुम्हारी ये जरूरत, फौरन अल अजीज को खबर करो। सब्र करो शहाबुद्दीन, तुमसे अमीर अली कदर जाती तौर पर तफ्तीश करेंगे। गुर्दोगलू, ये पियोगी तो बच जाओगी। ये पीने से तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा महफूज हो जाएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कुर्दोगलो कि तुम वक्त पे आ गए। अल्लाह हमारे सरदार को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे, इन्हें तवील उम्र दे। क्या इरादा है तुम्हारा? क्या अब तुम भी हमारे साथ हलब चलोगे? नहीं, मैं वापस जाऊंगा। कुछ करते कबीले को इस वक्त मेरी जरूरत है। यहां तो तुम लोग मौजूद हो देली दमीर, यहां की मुझे फिक्र नहीं। चलो फिर ठीक है, हलब में मुलाकात होगी। ये कुल्हाड़ा तो तुर्कुत का है। ये तो शहजादे की संचीर है। ये चीजें आपके पास कैसे आई भाई?
बैठ जाओ, बताता हूं मैं। शहजादे, हौसला रखें, सब्र मुश्किल है मगर उसका फल मीठा होता है, अल्लाह मदद करेगा हमारी। मैं ठीक हूँ दुर्गत भाई, बस खड़े खड़े थक गया हूँ। शाबाश शहजादे। शहजादे को किसने बांधा है? खोलो इन्हें फौरन। शहजादे, आपकी टोपी। पानी पी लें। जाहिल सिपाहियों ने आपके साथ बहुत गुस्ताखी की है। एक शहजादे को इस जंगली जानवर के साथ जिंदान में कैद करना कोई अच्छी बात तो न हुई। मैं आपसे माजरत खां हूं शहजादे। मैं कार्डिनल थॉमस पापा आजम का नुमाइंदा, अगर कुछ चाहिए तो मुझे हुक्म कीजिए। इन गवारों ने आपके साथ जो भी जुल्म किया वो सोचकर मुझे नींद नहीं आई, सारी रात जागता रहा हूं मैं। आपके रुतबे के शाया निशान आपके लिए कमरा तैयार है शहजादे, तशरीफ ले चलिए। मगर तुर्गत भाई, इनकी फिक्र ना करें, इनका खास ख्याल रखा जाएगा। तो चले शहजादे, आइए। मगर हमारे लिए भी एक मुश्किल और है। शहाबुद्दीन और मेरी जो गुफ्तगू हुई वो अलअजीज तक नहीं पहुंची है। जब ही अलअजीज ने कबीले में वबा का अफसाना घड़ के पैगाम फाड़ दिया है, यानी कबीले के लिए जो जमीन की तलाश थी वो भी दोबारा करना होगी हमें। हलप, हलप, लानत भेजता हूं मैं हलप पे। ये वक्त जज्बात का नहीं है बमसी। शहाबुद्दीन सलेबियों के चुंगल में फंस गए हैं, मुझे यकीन है इस बात का, वरना वो मेरी और अलअजीज की मुलाकात में मौजूद न हो ये मुमकिन नहीं था। तो अब क्या सोचा है आपने अर्तुरुल भाई, हमारे लिए क्या हुक्म है? शहाबुद्दीन के मुतालिक मालूमात हासिल करना होगी हमें। अगर हमें यगियत और तुर्गुत तक पहुंचना है और कबीले के लिए जमीन हासिल करनी है तो वजीर आजम ही हमारी मदद कर सकते हैं, उन्हें हम सलीबियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कहां जा रहे हैं हम लोग? हम ये देखने जा रहे हैं शहजादे कि आप जैसे नौजवान कैसे बहादुर जांबाज बनते हैं। Thank you.
बेटा और मुकद्दस रूह। क्या ये लोग अब जंगजू बन गए हैं? ये अब एक मुकम्मल जंगजू है और अब इन्हें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता शहजादे। जान, मैं चाचा जान के लिए बहुत परेशान हूं। कहीं वो किसी मुसीबत में ना गिरफ्तार हों। आप कुछ छुपा रही हैं क्या मुझसे? मेरी बच्ची, मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है क्या? परेशान ना हो, मैंने खादिमों से कह दिया है। तुम देखना, कोई ना कोई शहाबुद्दीन की खबर ले आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आया जान, लेकिन वादा करें कि जो भी खबर आएगी आप नहीं छुपाएंगी मुझसे, सच बताएंगी। लैला, मैंने कहा ना मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरी कसम, मैं इसको कैसे यकीन दिलाऊं? तुम्हारी कसम, अब यकीन आया? उदास मत हो आसमा, हमने पूरी कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। कुफार ने अपने कदम महल में ऐसे जमा लिए हैं कि अल अजीज भी उनके इशारों पर चलने लगे हैं। अल्लाह मददगार है। आमीन। आपको किस पर शक है मेरे आका? पहले मुझे यकीन नहीं था मगर नासिर पर शक है मुझे। घबराओ मत, हौसला रखो, तुम बहादुर हो। महल में इस वक्त तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं मुझे। आका, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस आप हुक्म कीजिए। मुझसे मिलवाने के लिए एक शख्स को ढूंढ कर लाना है तुम्हें। उसका नाम है अर्तुरुल। आया जान, क्या चाचा के बारे में खबर आई है? संभालो खुद को लैला, हौसला रखो। कैसे हौसला रखूं मैं? आपने मुझसे वादा किया था, सच बताएं चाचा जान ठीक है ना? बताएं ना मुझे। तुम्हारे चाचा शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। किसने किया ऐसा उनके साथ? लैला, हौसला रखो बेटा, संभालो खुद को। तुम्हारे भाई अमीर जनाब अल अजीज की तरफ से हुक्म आया। नहीं, लैला, लैला, खुद को संभालो बेटा, यहाँ आओ मेरे पास बैठो, आराम से, सब ठीक हो जाएगा। तुम रो तो मत बेटा। मुझे फौरन भाई से मिलना है, हर कीमत पर चाचा को बचाना है मुझे। तुमने क्या कहा? यानी इसने तुम्हें बेरेश कहा और तुम्हें इस पे गुस्सा आ गया? जी सुल्तान मुअज्जम। लेकिन तुम्हारी दाढ़ी नहीं है,
तो इसमें नागवारी की क्या बात। खैर अच्छा, अब तुम कहो। अमीरे मौज़म, इसकी हिम्मत कैसे हुई के? हद-ए-अदब बहुत हो गया। एक बात याद रखो, हलब के अमीर अलअज़ीज़ के सामने तुम्हारी ये गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे बताओ। मेरे आका, इस शख्स ने मेरी, देखे यहां से मेरी दाढ़ी उड़ा दी है। तो मसला ये है, नासिर, हुक्म करें सुल्तान मौसम, इन दोनों को जिंदान में डाल दिया जाए और इस बेरेश की दाढ़ी आने तक ये दोनों कैद में रहेंगे, और जब इसकी दाढ़ी निकल आएगी तो फिर दूसरा नौजवान उसी तरह उसकी दाढ़ी काटकर अपना हिसाब बराबर करेगा और मसला खत्म हो जाएगा। दोनों के साथ इंसाफ होना जरूरी है। हाँ नासिर, बहुत खूब, ये वाकई हकीकत थी या हमारे बहलाने का सामान किया था तुमने? आप यकीन कीजिए, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग आपके इंसाफ का चर्चा सुनकर ही यहाँ पर आए थे। हैरत है, अंदाजा नहीं था कि उमूर सल्तनत इस तरह के भी हो सकते हैं। अमीर मौज़म, लैला सुल्तान ने याद किया है आपको। खैरियत तो है, क्यों याद किया उन्होंने? उनकी तबीयत नासाज है। से मिलकर आ रही हूं, शक है उसे तुम पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अफसीन भाई, तशरीफ लाइए। मेरे आदमियों ने बताया कि आपको हलब में देखा था, लेकिन मुझे यकीन बिल्कुल नहीं आया था। तुम्हारे जवानों को लगा कि मैं उनका पीछा कर रहा हूं? अच्छी तरबियत की है तुमने उनकी, लेकिन मुझे हैरानी है कि मैं उन्हें अब तक याद कैसे हूं। आइए बैठिए। आपका काम आपकी पहचान है अफसिन भाई, और सबने ही आपकी बहादुरी के किस्से सुने हुए हैं। शर्मिंदा ना करो, हमें तो इन लोगों ने बताया था कि आप शहीद हो चुके हैं, लेकिन आप तो मेरे सामने मौजूद हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो अहलत से मुतालिक तुम्हारे पास कोई खबर है आई कुतलुक? अरसा हो गया अहलत गए हुए, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं अच्छी नहीं है। वो सुना है कि वहां हालात ठीक नहीं है, अली सलजूक ने गलत रास्ता मुंतखब कर लिया है, और उधर कोनिया में सुल्तान अलाउद्दीन की सल्तनत भी खतरे में है। वहां से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। चांद पर जब बादल छा जाते हैं तो अंधेरा और भी गहरा हो जाता है, लेकिन बादल छटते ही रोशनी हो जाती है। इंशाल्लाह चांद फिर से चमकेगा, तुम देख लेना। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। हमें दरअसल हलब के वजीर आजम शहाबुद्दीन के बारे में पता करना है कि वो किस हाल में है। तुम अपने तमाम आदमियों को इस काम पर लगा दो तो एहसान होगा तुम्हारा। शुक्रिया। लैला, क्या हुआ तुम्हें? भाई चचा जान कहाँ है? हलब की शहजादी, तुम इतनी परेशान क्यों होती हो?
इतनी फिक्र मत किया करो तुम अपने चचा जान की। कितने दिन से उनसे मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। क्या वो सच है जो मैंने सुना? मेरी बहन, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारे चचा जान बेहद मसरूफ हैं। जैसे ही उन्हें वक्त मिलेगा वो तुमसे जरूर मिलेंगे। मुझे बहलाने की कोशिश मत करें, मुझे सच सुनना है। क्या चचा जान कैद में हैं? जरा हवा तेज क्या चले? तुम घबरा जाती हो मेरी बहन, तुम्हारा दिल बहुत शफाफ है। ये दुनिया कितनी बदसूरत है, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं बिल्कुल भी। लैला, तुम अपने चचा जान की फिक्र बिल्कुल मत करो। भाई, मुझे सच जानना है। चचा शहाबुद्दीन ने रुतबे का गलत इस्तेमाल किया है अपने। अफसोस से कहना पड़ रहा है, जो तुमने सुना सच है। मैं नहीं मान सकती। और आप कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? वो अपने रुतबे का कभी गलत इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। यकीन कर लो मेरी मासूम बहन, हमारे प्यारे चचा शहाबुद्दीन दाना वजीर आजम बाबा के कातिल सलेबियों के साथ मिलकर खतावार है खत्तारी के। लैला, 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 मैंने अपने आदमियों को अतराफ में फैला दिया है, जल्द खबर आ जाएगी। तब तक हम शरबत से लुत्फंदोज हो लेते हैं, क्या ख्याल है? हलीमा सुल्तान, इतने परेशान मत हुआ, ठीक हो जाऊंगी मैं। जानता हूं,
लेकिन तुम्हारी तकलीफ देखकर रहा नहीं जाता मुझसे। मुझे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी तुमने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता। हुआ तो नहीं, ठीक हूं मैं। उस दिन अपने जज्बात का इजहार किया तो इनकार कर दिया। जान दे सकती हो मेरे लिए तो उम्र भर का साथ क्यों नहीं निभा सकती? जब इंसान किसी के लिए परेशानी का बाइस बनने लगे तो ऐसे में कदम रोक लेना बेहतर होता है। आपने हमेशा मुझसे सच कहा है, खुदारा मुझसे कुछ ना छुपाइएगा। ये ताखीर मेरे लिए परेशानी का बाइस बन रही है। क्या वाकई कोई खबर नहीं आई है कि दुर्गुद की? आई है। तू मुझसे छुपा क्यों रहे अर्तुरुल? क्या मेरा भाई जिंदा नहीं रहा? जिंदा है लेकिन सलीबियों की कैद में है। उठो मत। किस हाल में होगा मेरा भाई? अर्तुरुल, अर्तुरुल, खुदा का वास्ता उसे बचा ले। वादा करता हूं मैं तुमसे अलीमा, यकीन जरूर आएगा वापस। तबीबा, जहमत तो तुम्हें होगी लेकिन यहां हमारे साथ बहुत तवील अरसा गुजारना है तुम्हें, इसलिए तुम्हें काबू में रखने के लिए यह एहतमाम करना पड़ रहा है। उस बच्चे के साथ क्या किया? उसकी फिक्र मत करो तुम, उस छोटे शहजादे पर हमारी खुसूसी तवज्जो है। वो बच्चा बिल्कुल मासूम है, उससे क्या चाहते हो तुम? जो करना है मेरे साथ करो। तुम ये समझते हो कि हम उस बच्चे पर कोई जुल्म करेंगे? कार्डिनल थॉमस जो इसे यहाँ से लेकर गए थे शहजादे का खास ख्याल रख रहे हैं। तुम्हें नजारा करना चाहिए उनकी दिलचस्पी और शौक का जब वो सलीबी जाबाजों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो जल्द ही उस लश्कर का हिस्सा बन जाएंगे। खुश आमदीद शहजादी। एलेनोरा कहाँ है? मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आई मेरी बहन? इस बारे में उस्ताद आजम बताएंगे, वो आपके मुंतजिर हैं शहजादी। इज़ादोरा, मेरी अजीज बेटी। आपको बहुत याद किया मैंने। और ये मेरी बहन कहाँ है? नजर नहीं आ रही। मुझे भूल तो नहीं गई कहीं? खतूत में तो इतना इसरार करती थी कि जल्दी आ जाओ। आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं?
आयजान। बोलो मेरी जान। पर्दे गिरा दे आयजान, रोशनी अच्छी नहीं लग रही। मेरी प्यारी शहजादी, थोड़ा उठ के तो देखो, कुछ खाओगी पियोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। पूरा दिन गुजर गया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है लैला। मेरा किसी चीज को दिल नहीं जा रहा। कुछ मालूम हुआ अफसन पाशा? क्या खबर है? अच्छी खबर नहीं है अर्तुरुल साहब, शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिंदान में कैद है। कैद में? किस जुर्म में कैद किया गया है? फिलहाल ये मालूम नहीं हो सका कि वजह क्या है, लेकिन अलअजीज और नासिर को सिपाहियों के साथ महल से निकलते देखा गया है, और उनके साथ महल की एक कनीज भी थी गालिबन। वो सिपाही महल से कुछ बाहर लेकर आ रहे थे, शायद वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिक कुछ हो। सब्र करो बेटी ज़ादौरा। ये कैसे हुआ? मेरी बहन कैसे चली गई मुझे छोड़ के? तुम जानती हो, एलेनोरा अपने बाबा की मौत को शुरू से ही कबूल नहीं कर पाई थी, मगर कुछ अरसे से तो उसके जहनी तनाव में इजाफा ही होता चला जा रहा था। शायद किसी मकतूब में तुमसे भी जिक्र किया हो उसने। बेचारी, उसके दिमाग में यह ख्याल बैठ गया था कि बाबा जिंदा है और जिंदान में कैद है। मुस्तकिल एक ही रट लगा रखी थी उसने। वो किसी न किसी तरह जिंदान जाने का बहाना ढूंढती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि जिंदान जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए। मैंने उसके जिंदान की तरफ जाने पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी, मगर मैं उस दिन किले में मौजूद नहीं था। और वो क्या जिंदान चली गई थी? एक खतरनाक कैदी ने वहां से फरार होने की कोशिश में हमारी मासूम एलेनोरा की जान ले ली। क्या वो कैदी अभी जिंदा है? नहीं, वो अंजाम को पहुंच गया, और जिन्होंने एलेनोरा को जिंदान जाने दिया वो मुहाफिज भी जिंदा नहीं। वो जिम्मेदार थे एलेनोरा की मौत के, उन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बहुत ही खिदमत गुजार लड़की है ये, लेकिन बहुत चालाक भी है। सबसे हसीन लड़की का इंतखाब किया है आपने। क्या ख्याल है? नामुनासिब।
क्या नजर है, हीरा है मेरे आका, हीरा है ये। इसके हुस्न को अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अकलमंद है, हुनरमंद है, तालीम याफ्ता है, सुरीली भी है जनाब, और अपनी सुरीली आवाज में शायरी भी करती है, और रक्स तो ऐसा करती है कि देखने वाला अपना होश खो बैठे। आप खुद देख लें। जानते हो कि कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है? जी हां, अच्छी तरह। फौलाद को खूब जर्ब लगाकर, चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान कुन धात को और चमड़ा सास खाल को बनाता है। क्या समझे? ये बावकार लिबास जो तुमने ज़ेबतन किया हुआ है, अगर ये चमड़ा सख्त मराहिल तय न करे तो कुछ नहीं। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में न डाली जाए तो फिर सिर्फ ये एक लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अर्तुल, अगर तुम इन आजमाइशों की भट्टी से न गुजरते तो फिर तुम क्या होते? बात सिर्फ मेरी आजमाइशों की हद तक नहीं है, मेरे दोस्त अहबाब, जंगजू साथी, खानदान और मेरे कबीले वाले, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अजियतें झेल रहे हैं। कोई एक बोझ नहीं सीने पर जो न सोचूं। यह दुनिया एक मदरसा है मेरे बेटे, और हम सब तालिब इल्म हैं। मुअल्लिम सिर्फ एक साथ है, हक ताला, वो जिसका जैसे चाहता है वैसे ही इम्तिहान लेता है, और अपने खास बंदों को उस इम्तिहान के जरिए कुंदन बनाता है। हर किसी को अपना अपना इम्तिहान देना है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा, ये यकीन रखो। उस रब का बरगुजीदा बनना सहल नहीं, डटे रहोगे तभी याद रखे जाओगे। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना भी इम्तिहान है। अल्लाह तवक्कुल को पसंद करता है, तुम्हें भी उस रब की जात पर तवक्कुल रखना है। अंधेरे में कामयाबी के हुसूल तक रास्ते की तलाश की कोशिश में रहना, और उस जात पर यकीन रखना ही निशानी है मोमिन की। चलो उठो, इस इम्तिहान में तुम्हें कामयाब होना है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। ये उसका कमरा है। तुम यहाँ तो नहीं रहना चाहोगी? चाचा जान, मैं यहीं रहना चाहूंगी। तुम थक गई होगी, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। सतौरा, शब बख़ैर।
सुनिए हजरत, मैं वजीर आजम शहाबुद्दीन की खातमे खास हूँ। मेरा नाम अस्मा है और उनका पैगाम लाई हूँ। कैसे यकीन कर दूं शहाबुद्दीन ने भेजा है? उन्होंने कहा था कि आप यकीन कर लेंगे जब मैं आप दोनों के इरादे आपको याद दिलाऊंगी। वो आपसे बात करना चाहते हैं। रियासती मसाइल का बार अचानक पड़ गया है मीरा अली कदर। मैं चाहता हूं कि आपकी तस्कीन का कुछ इंतजाम हो जाए। उम्मीद है आपको महफिल पसंद आएगी। जिंदान तक कैसे जाएंगे? एक खुफिया रास्ता निकलता है जिंदान तक। हम वहां से जाएंगे और वो रास्ता वजीर आजम ने ही मुझे दिखाया था। ये आदमी रिश्ते में चचा लगता है मेरा। इससे मेरा बाप सगे भाइयों से ज्यादा समझता है। और इसने क्या किया पता है? उसी भाई की जान का सौदा कर दिया। शहाबुद्दीन की जान बचानी है। फैसला भी हो चुका है।